नमस्कार, मैं दीपक सेठ और आप देख रहे हैं खबरों का बिगुल आप तक। बॉलीवुड को लगा दूसरा भारी झटका। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में सुबह आज 8:45 पर निधन हो गया है। बता दें, बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बंबई HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती किया गया था। ऋषि कपूर के बड़े भाई रणधीर कपूर ने निधन की पुष्टि की है। बुधवार को रणधीर कपूर ने कहा था, ऋषि कपूर अस्पताल में कैंसर से जूझ रहे हैं। और साथ ही बताते चलें, बॉलीवुड के अभिनेता इरफान खान का निधन 54 वर्ष की उम्र में कैंसर के चलते हो गया था। और अब अगली खबर सुनते हैं, देश में किन राज्यों में कितने मरीज कोरोना वायरस के हैं और किन को छुट्टी मिल गई है और कितनी मौतें हुई हैं। ये आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से है। अंडमान और निकोबार में 33 मामले सामने आए हैं और 15 मामलों को छुट्टी मिल गई है। आंध्र प्रदेश से 1332 मामले सामने आए हैं, 287 को छुट्टी मिल गई है, 31 मौतें हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश से एक मामला सामने आया है, एक को छुट्टी मिल गई है। असम से 38 मामले और छुट्टी मिली है 29 को, एक की मौत। बिहार से 392 मामले सामने आए हैं, 65 को छुट्टी मिल गई है और दो मौतें। चंडीगढ़ से 56 मामले सामने आए हैं, 17 मामलों को छुट्टी मिल गई है। छत्तीसगढ़ से 38 मामले और छुट्टी मिली है 34 को। दिल्ली से 3439 मामले सामने आए हैं और छुट्टी मिली है 1092 और मृत्यु दर है 56 लोगों की मृत्यु हुई है यहाँ। गोवा से 7 मामले सामने आए हैं और 7 को छुट्टी मिल गई है। गुजरात से 4082 मामले सामने आए हैं, 527 को छुट्टी मिल गई है और 197 मामले मृत्यु के हैं। हरियाणा से 310 मामले सामने आए हैं, 209 को छुट्टी मिल गई है, 3 की मृत्यु हुई है। हिमाचल प्रदेश से 40 मामले सामने आए हैं, 25 को छुट्टी दे दी गई है, एक मृत्यु है। जम्मू और कश्मीर से 581 मामले सामने आए हैं, 192 मामलों की छुट्टी हो गई है, 8 की मृत्यु। झारखंड से 107 मामले सामने आए हैं, 19 की छुट्टी हो गई है, 3 की मृत्यु। कर्नाटक से 535 मामले सामने आए हैं, 216 को छुट्टी मिल गई है, 21 की मृत्यु हुई है। केरल से 495 मामले सामने आए हैं और 369 मामलों को छुट्टी मिल गई है और 4 मृत्यु है। लद्दाख से 22 मामले सामने आए हैं, 16 को छुट्टी मिल गई है। मध्य प्रदेश से 2561 मामले सामने आए हैं और 461 मामलों को छुट्टी मिल गई है और 129 मृत्यु है। महाराष्ट्र से 9915 मामले सामने आए हैं और 1593 लोगों को छुट्टी मिल गई है, 432 लोगों की मृत्यु हो गई है। मणिपुर से 2 मामले सामने आए हैं और दोनों को छुट्टी मिल गई है। मेघालय से 12 मामले सामने आए हैं और एक की मृत्यु हो गई है। मिजोरम से 1 मामला सामने आया है। उड़ीसा से 125 मामले सामने आए हैं और 39 मामलों में छुट्टी मिल गई है, एक की मृत्यु हो गई है। पांडुचेरी से 8 मामले सामने आए हैं और 3 लोगों को छुट्टी मिल गई है। पंजाब से 357 मामले सामने आए हैं और 90 को छुट्टी मिल गई है, 19 की मृत्यु है। राजस्थान से 2438 मामले सामने आए हैं, 768 लोगों को छुट्टी मिल गई है और 51 की मृत्यु हो गई है। तमिलनाडु से 2100
62 मामले सामने आए हैं, 1210 लोगों को छुट्टी मिल गई है, 27 की मृत्यु हुई है। तेलंगाना से 1012 मामले सामने आए हैं, 367 लोगों की छुट्टी हो गई है और 26 की मृत्यु हुई है। त्रिपुरा से 2 मामले सामने आए हैं और दोनों को छुट्टी मिल गई है, यानी कि यहाँ कोई मामला नहीं है। उत्तराखंड में 55 मामले सामने आए हैं, 36 को छुट्टी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में 2134 मामले सामने आए हैं, 510 को छुट्टी मिल गई है और 39 मृत्यु हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 758 मामले सामने आए हैं, 124 लोगों को छुट्टी मिल गई है और 22 की मृत्यु हुई है। इस प्रकार भारत में कुल पुष्टि मामलों की संख्या आई है 33,050 और जिन मामलों में छुट्टी मिल गई है वो 8,325 और कुल भारत में मृत्यु हुई है 1,074 लोगों की। तो ये अपन ने जो भारत में कोरोना वायरस से संबंधित आंकड़े थे वो तो आपने देखे हैं और सुने भी हैं, और अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के लोग अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनको वापस आने के लिए कुछ नंबर प्रकाशित किए गए हैं। वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग मोबाइल नंबर हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार है, महाराष्ट्र से यूपी आने के लिए नंबर है 700-730-4242 और 945-00-00177। तेलंगा से और आंध्र प्रदेश से जो यूपी आना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 9886-400-721 और 9454-02544। जो लोग गोवा और कर्नाटक से यूपी आना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 9415904444 एंड 9454-00135। पंजाब और चंडीगढ़ से यूपी आने वालों के लिए निम्नलिखित नंबर हैं 9455-35-11-11 और 9454-00190। पश्चिम बंगाल व अंडमान निकोबार से आने वाले यूपी के लिए नंबर दिए हैं 9639-98-1600 और 9454-00537। राजस्थान से यूपी आने वालों के लिए नंबर दिए गए हैं 9454-10235 और 9454-05388। हरियाणा से यूपी आने वालों के लिए नंबर दिए गए हैं 9454-10828। बिहार झारखंड से यूपी आने के लिए नंबर दिए गए हैं 9621-65-0067 और 9454-00122। अब आगे आते हैं गुजरात। तो गुजरात, दमन, दीप, दादर एवं नगर हवेली से यूपी आने वालों के लिए नंबर दिए गए हैं 8881954573 और 9454-00191। और उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से यूपी में आने वालों के लिए नंबर दिए हैं 8005194092 और इसके बाद है एक नंबर और 9454-00155। तो ये नंबर्स आपने देखे, मोबाइल नंबर, ये इसलिए प्रकाशित किए हैं कि जो लोग भी बाहर फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, जो बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको किसी तरह सरकार को खबर मिले कि ये वहाँ फंसे हैं या किस प्रदेश में हैं, तो इन मोबाइल नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। जो नंबर दिए गए हैं, जिस राज्य में जो फंसा है उस राज्य के हिसाब से जो नंबर दिए हैं उधर फ़ोन कीजिए, सरकार आपकी मदद करेगी
और बाहर के राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको उत्तर प्रदेश लाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।